दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच है मौत, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया छोड़कर जाना भी होगा। शरीर में मौजूद आत्मा समाप्त नहीं होता, बस रूपांतरित होता रहता है। मौत के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है, लेकिन इस्लाम आत्मा का रूपांतर नहीं मानता। इस्लाम में लोग पुनर्जन्म नहीं लेते। मौत के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होती है, लेकिन कुछ पल में ये अचेत से सचेत होकर खड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वो शरीर से अलग हो चुका है। वो उसी तरह व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं अभौतिक धनी होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। बरसों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा, उससे मोहबस आत्मा दुखी होकर अपने मृत शरीर से तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसका प्रयास विफल रहता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार करने लगते हैं कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और वो मृत्यु लोक में विदा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर के मौत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होते हैं और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। वो लाचार होकर सब कुछ देखते और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती हैं। जम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से जाने का समय आ गया। उसे लेकर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहां ना सूरज की रोशनी होती है ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये आत्मा अपने कर्मों और इच्छा के अनुसार कुछ समय तक विश्राम लेते हैं। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छाओं के अनुसार शरीर धारण करती है। क्या आप मनुष्य के पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्मों में लोग एक से अधिक बार दुनिया में आएंगे, ये उन लोगों का विश्वास है। आत्मा अलग अलग शरीर में समा सकती है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होगा। उसके कर्मों के अनुसार वो स्वर्ग में या तो नरक में आजीवन बिताएंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।